वी द पीपल और हम भारत के लोग, इसमें लगातार लगातार जो एंकर हैं, जो संचालक हैं, जो हॉस्ट हैं वो बदलेंगे, जो इंडिविजुअल हॉस्ट या एंकर हैं वो भी आएंगे, जो ग्रुप में या जो समूह में या एक या दो एंकर एक साथ आएंगे वो भी आएंगे, और भी आगे कोई ना कोई बात इसमें बन सकती है। तो एक हॉस्ट को, एक एंकर को, एक संचालक को जो मीटिंग का संचालन करे, मीटिंग को चलाए, उसको कैसा होना चाहिए और वो किस तरह से मीटिंग का संचालन करे, ये कुछ बेसिक्स रूल हैं जो पूरी दुनिया में चलते हैं। इसको हर एक वी द पीपल का जो मेंबर है उसको समझना चाहिए, और जब वो होस्ट करे मीटिंग को या मीटिंग को एंकरिंग करे या संचालन करे तो इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, इससे उसको फायदा होगा। सबसे पहले ये समझें कि हम मीटिंग क्यों करते हैं, हम क्यों इकट्ठे होते हैं, क्यों सभा करते हैं। जब कोई समूह, कोई गण, कुछ लोग मीटिंग करते हैं, इकट्ठे होते हैं कहीं भी किसी भी तरह, ये तो वर्चुअल है, फिजिकल भी हो सकते हैं, तो उनके दो कारण होते हैं। या तो वो अपने वेलफेयर के लिए इकट्ठे होते हैं, अपने फायदे के लिए इकट्ठे होते हैं, और या वो किसी के विनाश के लिए, किसी को ख़त्म करने के लिए, किसी को कष्ट पहुँचाने के लिए इकट्ठे होते हैं। इन दो के अलावा इकट्ठे होने का कोई तीसरा कारण कभी नहीं होता गण का, लोगों का। अधिकतर केसों में जो लोग इकट्ठे होते हैं वो अपने फायदे के लिए इकट्ठे होते हैं। जैसे कोई समस्या है उसके समाधान के लिए इकट्ठे होंगे तो फायदे के लिए इकट्ठे होंगे। व्यापार के लिए मीटिंग होगी, बिजनेस की मीटिंग होगी तो बिजनेस के फायदे के लिए इकट्ठे होंगे। कहीं खुशी बांटने के लिए कोई पार्टी है, कोई शादी है, कोई मैरिज है, कोई फंक्शन है तो इकट्ठे होंगे। कहीं कोई डेड बॉडी है, कोई मर गया है, कोई बीमार है तो दुख बांटने के लिए इकट्ठे होंगे, दुख बांटना भी फायदे में आता है। कहीं ज्ञान बांटने के लिए इकट्ठे होंगे, जैसे क्लास होता है, कोई टीचिंग होती है, कोई एजुकेशन का सेंटर होता है, तो वहाँ जो लोग इकट्ठे होते हैं, बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो वो ज्ञान बांटने के लिए इकट्ठे होते हैं, वो फायदे के लिए हैं। किसी को अगर नुकसान पहुँचाना, यानी कि कहीं अगर युद्ध करने जाना है, डिस्ट्रक्शन करने जाना है, वॉर करने जाना है, लड़ाई करने जानी है, तो उसमें एक पक्ष का फायदा है, एक का नुकसान है, यानी नुकसान करने के लिए भी इकट्ठा होते हैं और फायदे के लिए भी। कहीं चोरों का गैंग, देशद्रोहियों का गैंग या देश को ख़त्म करने वाले लोगों का गैंग अगर इकट्ठा होता है तो वो विनाश करने के लिए, नुकसान करने के लिए इकट्ठा होता है, वो भी मीटिंग होती है। या कोई अन्य तरह की जो मीटिंग है, किसी भी तरह की हो सकती है, मगर सारी मीटिंग दो तरह से डिफाइन होती हैं, या तो उससे फ़ायदा होगा सभा से, मीटिंग से, या उससे नुकसान होगा। यहाँ जो मीटिंग चल रही है विद द पीपल में, हम अपने वेलफेयर के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। जो हम बार बार एंकरिंग बदल रहे हैं, संचालन बदल रहे हैं और आगे बदलते रहेंगे, ये ग्रुप संचालन भी होगा, यानी कि एक या दो से ज़्यादा लोग भी होंगे, और एकल भी होगा, यानी कि सिंगल एंकरिंग भी होगी। ये इसलिए बदल रहे हैं ताकि मीटिंग्स बहुत सारी होनी है, लोग बहुत सारे होने हैं, तो आप अपने मीटिंग के संचालन के स्किल को, यानी उसकी जो कार्यप्रणाली है, उसकी जो तरीका है, उसको डेवलप कर लें, उसको समझ लें। जो प्रॉब्लम यहाँ आपको मीटिंग संचालन में आती हैं वो वहाँ फेस ना करनी पड़े। आप एज एन एक्सपर्ट, यानी बहुत ज़्यादा मंजे हुए एक संचालक की तरह वहाँ जाके मीटिंग करें और जो छोटी मोटी समस्याएं उनको सॉल्व कर लें। इसलिए आप यहाँ लगातार लगातार, क्योंकि यहाँ सारे पके हुए लोग हैं, आप अगर एंकरिंग में थोड़ा बहुत, संचालन में थोड़ा बहुत अगर मिसगाइडेड भी होते हैं या इधर उधर भी जाते हैं तो यहाँ के लोग बर्दाश्त कर लेंगे, मगर जो नए लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो भाग जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसी प्रैक्टिस के तहत में लगातार लगातार एंकरिंग बदलेगी। तो एक एंकर को, एक होस्ट को, एक संचालक को, एक मीटिंग के चलाने वाले को कैसा होना चाहिए, उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये बेसिक इंटरनेशनल रूल हैं पूरी दुनिया में, जो बताए जाते हैं, जो समझाए जाते हैं। जो संचालक है उसके अंदर अपना कोई ईगो नहीं होना चाहिए, कोई अहम नहीं होना चाहिए, कोई घमंड नहीं होना चाहिए, कोई उसके अंदर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे संचालन में ये पता चले कि वो अपने आप को बहुत ईगोइस्ट या अहम समझ रहा है, क्योंकि वो 50, 60, 100, 200 लोगों को अब नियंत्रित कर रहा है, संचालित कर रहा है। उसका अपना कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, यानी कि जब वो मीटिंग को संचालन कर रहा है तो उसका इंडिविजुअल अपना कोई उद्देश्य उसके मन में नहीं होना चाहिए, अगर हो तो उसको एक तरफ रख देना चाहिए। उसका जो उद्देश्य वही होना चाहिए जो समूह का उद्देश्य, यानी कि जो उद्देश्य समूह ने मिलकर डिसाइड किया है उसी उद्देश्य को रहते हुए उसे वहाँ बात करनी है,
और लोगों को उसी बात पर लेके आना है ताकि वो उद्देश्य पर रहें। किसी से अगर उसका बैर भाव है पर्सनली और वो मीटिंग में सामने बैठा है तो वहां उसको भूल जाना चाहिए, यानी उसको निर्भाव हो जाना चाहिए। कोई बैर भाव किसी से मन में नहीं होना चाहिए, चाहे वो उसका कोई जानकार है, चाहे उसका रिलेटिव है, चाहे उसका कोई दुश्मन है। वो सभी को समानता से देखना चाहिए और जिस समय वो मीटिंग का संचालन करे उसके लिए ये बात महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति इस पूरे समूह और मीटिंग के लिए क्या दे सकता है, कितना इम्पोर्टेंट है। बजाय इसके कि अगर सामने वाला व्यक्ति उससे कोई बैर भाव रखता है या कोई बात हुई है तो मैं उसको चांस ना दूं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए एक संचालक को, एक हॉस्ट को। कोई एंकर, कोई हॉस्ट, कोई संचालक बहुत विद्वान हो सकता है, कम विद्वान हो सकता है, मगर जब वो संचालन करेगा, जब वो नियंत्रित करेगा सब लोगों की सभा को, तो अपनी विद्वता नहीं शो करेगा। यानी कि बार बार वो संचालन करते समय मीटिंग में ऐसा नहीं जताएगा बात करते हुए कि वो जो लोग बोल के जा रहे हैं या जिनको वो कॉल कर रहा है बुलाने के लिए, जो बोल रहे हैं उनसे ज़्यादा विद्वान हैं, ऐसा नहीं वो कहेगा। क्योंकि संचालक है, उसको पूरी जो टीम है, जो पूरा ग्रुप है, उससे उसको उद्देश्य निकालना है। इसलिए अगर विद्वता उसे अपनी शो करनी है, दिखानी है, तो वो जब खुद स्पीकर हो तब इस बात को रख सकता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर मीटिंग में कई बार जाने और अनजाने में जो संचालक होता है वो सामने वाले से उसको ओवरकम करने की, उसके ऊपर सवार होने की अनजाने में या जानकर कोशिश करता है, जिससे मीटिंग का उद्देश्य डिफीट होता है, खत्म होता है। जो हॉस्ट है, जो संचालक है, जब तक वो मीटिंग को चलाएगा उसका जो स्वभाव है वो बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। यानी कि ना उसके माथे पे गुस्सा आए, ना उसकी आंखों में गुस्सा आए, ना उसकी बातों में प्यार झलके, ना करुणा हो, सिर्फ एक प्रोफेशनल वे में एक सपाट उसके पास में बातचीत हो जो उद्देश्य को निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। उसके मन में समानता होनी चाहिए। समानता का मतलब है इक्यूमिनिटी। इक्यूमिनिटी का मतलब है कि वो सबको समान रूप से ट्रीट करेगा, देखेगा, चाहे कोई किसी भी एज का है, बूढ़ा है, जवान है, कम पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, किसी ने ज़्यादा सहयोग किया है, किसी ने कम दिया है, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सबको समान दृष्टि से देखेगा। ये एंकरिंग के इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंड हैं जो सारी मीटिंग्स में होते हैं। अगर कहीं कोई एंकर से कोई गलती हो गई है तो उसको बिना देर किए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, उसके लिए सॉरी बोलना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि सारा ग्रुप और सारा समूह उसके ऊपर डिपेंड होता है, उसकी बात के ऊपर वो चलता है। एंकरिंग करने से पहले तैयारी करके आना चाहिए, मेहनत करके आना चाहिए। तैयारी और मेहनत कैसे होगा? सफल एंकर जो होता है वो इस बात में एंकरिंग होता है कि जिनकी आज वो एंकरिंग करेगा, जिनको वो संचालन करेगा, जिनका वो आज हॉस्ट है, जो वो मीटिंग चलाएगा, उस मीटिंग में जो लोग आ रहे हैं उनके स्वभाव कैसे हैं, उनके काम कैसे हैं, उनके बारे में जानकारी वो इकट्ठी करे, कौन आदमी कैसा कैसा है, क्या स्वभाव है, कितनी जानकारी उसके पास है और कितना वो उद्देश्य के लिए, उस मीटिंग के लिए फ्रूटफुल है, उसके हिसाब से वो हायरार्की बनाए, मन में एक सीरियल बनाए, नंबर बनाए, किसको पहले बुलाना है, किसको बाद में बुलाना है, किसको कब कॉल करना है, कैसे उसको देखना है, कितना उसे निकालना है, और अगर कोई व्यक्ति उद्देश्य के अपोजिट जाता है तो कैसे उसको न्यूट्रल करना है, कैसे उसको रिक्वेस्ट करके शांत करना है, बहुत पोलाइट तरीके से, क्योंकि उद्देश्य डिफीट नहीं होना चाहिए। और जागरूकता और विजिलेंस होना चाहिए कि उसके जो संचालन जिनका वो कर रहा है, जो लोग सामने हैं उसके, वो बोर नहीं होने चाहिए, वो इधर उधर नहीं देखने चाहिए, मीटिंग बोरिंग नहीं होनी चाहिए, मीटिंग बिल्कुल इंटैक्ट रहनी चाहिए, फालतू की बात मीटिंग में नहीं होनी चाहिए, मीटिंग ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी चाहिए, मीटिंग शॉर्ट भी इतनी नहीं होनी चाहिए कि लोग आएँ और आके कहें कि हम क्यों यहाँ आएँ। ये सारी जागरूकता, विजिलेंस और उसका कॉमन सेंस लगातार उसको देखते रहना चाहिए और उसको तोलते और नापते रहना चाहिए। जो हॉस्ट है, जो संचालक है, उसको सबसे पहले मीटिंग से पहले उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, और अगर उसको उद्देश्य का पता नहीं है तो बाकी मेंबर से पूछना चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका हमें निकालना क्या है मीटिंग से, और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे लगातार ध्यान देना चाहिए कि वो कितना ऑब्जेक्ट, कितना उद्देश्य, कितना ऑब्जेक्टिव उसने निकाल के ला चुका है। नुकसान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नुकसान का मतलब है कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जो मीटिंग को ख़राब करने वाला हो, नाराज़ हो, ना समझ हो, या अपने अपने ईगो रहम में मीटिंग को ख़राब करे। बहुत तरह के लोग आते हैं,
तो कई बार मीटिंग डैमेज हो जाती है, नुकसान हो जाती है। तो समझदारी हॉस्ट की, संचालक की इस बात में है कि वो कम से कम नुकसान होने दे और ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य और फायदा लेके आए, और समय को बचाने वाला हो, यानी कि सेविंग हो टाइम की। ऐसा ना हो कि मीटिंग इतनी लंबी हो जाए कि सब लोग चले जाएं और मीटिंग अपने उद्देश्य को ना प्राप्त हो, इसलिए एक लिमिटेड समय में। तो जो वक्ता काम का है उसको बोलने देना है, उतना ही बोलने देना है। जो काम का नहीं है उससे क्षमा भी मांग सकते हैं, उसको बाद में समय दे सकते हैं, जब समय खाली हो तब दे सकते हैं, मगर उस दिन का उद्देश्य निकल के आना चाहिए। इसमें हॉस्ट की सफलता का परसेंटेज पता चलता है कि कैसे है। एक हॉस्ट, एक संचालक, एक प्रबंधक, एक मीटिंग को चलाने वाला, एक ऑर्गेनाइजर, एक मीटिंग का जो मैनेजर होता है, उसकी सफलता इस बात पर है कि जो उद्देश्य उसको दिया गया है मीटिंग चलाने के लिए, उसमें वो कितने परसेंट सफल होता है और बाद में कितना वो कम से कम डैमेज करता है और कितना फ़ायदा करता है, इससे डिपेंड करता है कि उसका संचालन कैसा रहा। संचालन करते समय हमेशा एनर्जिक होना चाहिए, एनर्जी से भरा हुआ होना चाहिए और बिल्कुल फ्रेश तरीके से होना चाहिए। कहीं लगे संचालक को कि वो थक गया है या नहीं कर पा रहा है या बोझ हो गया है या समझ नहीं आ रहा है, तो अपने जो को होस्टिंग है या को संचालक है या जो उसका साथ वाला है, सह संचालक है, या वो किसी से भी मदद मांग सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मीटिंग चलते रहना इम्पोर्टेंट है, मीटिंग बीच में डिस्ट्रक्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसको बिना देर गंवाए किसी भी साथी से तुरंत मदद मांग लेनी चाहिए, और हो तो एक माइंड में एक दो नाम ऐसे रखने चाहिए कि अगर इमरजेंसी पड़े तो वो मीटिंग को संभाल लें, क्योंकि मीटिंग जारी रहनी चाहिए, मीटिंग किसी भी हालात में रुकनी नहीं चाहिए। तो जब भी आप होस्टिंग करें, जब भी आप मेज़बान बने, जब भी आप संचालन करें, जब भी आप मीटिंग में जाएं, इन बात की प्रिपरेशन सीरियसली करें और सीरियसली देखें कि मीटिंग कैसे होती है, और भी लोगों की मीटिंग को ऑब्जर्व करें, उसको समझें, उसको पूछें, क्योंकि आपको बहुत सारी मीटिंग अभी संचालित करनी है। आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ सीखेंगे, तो जब खुद मीटिंग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, और आप ऐसे ही लोगों को और संचालन के लिए तैयार करें, होस्टिंग के लिए तैयार करें, क्योंकि कम से कम 10,000 हमारे पास संचालक होंगे, 10,000 मीटिंग लेने वाले होंगे, तब आप कहीं ये मानना कि आपके घर में कहीं कुछ प्राप्त होने वाला है, आपके बच्चों को कहीं कुछ प्राप्त होने वाला है। 10, 5, 20, 30, 50 मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत बड़ा देश है। धन्यवाद।